राम राज फिर से स्थापित करेंगे प्रभु श्री राम वो शुभ दिन आ गया है। अरे राम दत्ता जी है राम भक्त हनुमान करेंगे काम वो शुभ दिन आ गया है। जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस अवसर पर आप उनके बारे में और क्षेत्र की जनता के बारे में अपने विचार। राजनीति के जो आज का रास्ते इस रास्ते से हट करके रास्ते में चलने वाले और ये रास्ता था जन समस्याओं के लिए संघर्ष का, किसी के सामने सुना है हर हालत में जन समस्या के निराकरण के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करने का एक संघर्ष की लाइन आ गई थी। आज तक नई नई लाइनें आ गई, नई नई चीजें आ गई और इसलिए वो इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अटूट परिश्रम करते हैं और मैंने उनको परिश्रम को कल भी देखा है। वो विधायक थे, हम भी हम दोनों साथ साथ काम करते थे, मंडला में कर रहे थे, पेपर में कर रहे थे। एक दिन में हम लोगों की आदत थी कि जब निकलते थे तो जैसे गर्मी के टाइम में शादी ब्याह का अवसर होता तो हर आदमी के सामने द्वार पूजा में पहुँच नहीं सकते, किसी के यहाँ द्वार पूजा में, किसी के यहाँ चढ़ाव में, किसी के यहाँ। एक दिन में लालगांव में कन्यादान जब हो रहा था उस समय 3-4 बजे के आसपास पहुँचा तो मैंने देखा भैया भी 4 बजे गाड़ी लेकर के आ गए, फिर दोनों एक साथ बैठे। इस तरह का संघर्ष करना, लोगों को संपर्क करना, लोगों के हृदय में बसता कोई कर सकता है, मेरा मकाना लागू कर सकता है। ये खुशी है इस बात के लिए कि मैं उनके लिए सरकार से मुझे अवसर मिला है। इस तरह मैं पता नहीं कैसे रुक गया था, उतना जल्दी हमारे बीच से हो गया है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं था और ज़्यादा जो हमको मिलता है सबसे ज़्यादा हो सकता है। फिर भी उनके जो सपने हैं उसको भारतीय जनता पार्टी या उनके परिवार की ओर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और सरकार के स्तर पर उसमें हम सकें। उनका सबसे बड़ा कार्य इस क्षेत्र को हरित क्रांति के क्षेत्र में विकसित करना था। हरित क्रांति की दिशा में तो काम हुआ, अब श्वेत क्रांति का जो उनका सपना अधूरा था वो कैसे पूरा हो पाएगा, क्योंकि हमारा पशुओं का विस्तार। हरित क्रांति के लिए जो सबसे बड़ी धारों का काम होना चाहिए था उसमें लगातार वो बात कर रहे हैं। शिवराज जी ने कई बार उसकी स्थिति की थी और कुछ काम हुआ और वो चाहते थे कि उनका एक भी क्षेत्र रामसागर से आने वाले बचे हुए पानी से सिंचित होने से वंचित नहीं रहे, इसलिए कई योजनाएं इस तरह की बनी थी। और जहाँ तक श्वेत क्रांति का सवाल है तो स्वाभाविक है उनके मन की इच्छा थी किस तरह का हो, परंतु जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास जो ये पशुओं का जो भंडार है ये श्वेत जो जिसको आप क्रांति कहते श्वेत और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो हमारी गायें हैं वो एक तरह से उनको छोड़ दिया, घर से वो बाहर निकल गई। जब वो घर से बाहर निकल गई तो पता नहीं उनका कैसा क्रॉस रिएक्शन हो गई, जिसके कारण से लगातार दूध घटता चला गया। आवश्यकता इस बात की है कि बढ़िया नस्ल की गाय पैदा हो और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा दूध देने वाली होंगी तो लोग मामला भी शुरू कर देंगे। और एक इच्छा होती, हम दोनों की इच्छा थी, हम दोनों लोग आ रहे थे, जो गायों का संरक्षण किसान कभी करेगा जो उसके और उत्पादन के जो हो सकता है उसके ऊपर रहे। जैसे गांव गांव में खाद बनाते हैं लेकिन गोबर की खाद बनने लगे और किसानों से गोबर का पैसा देकर के क्रय की व्यवस्था को बन जाए तो लोगों गाय को पालना शुरू कर, ये हमारी इच्छा उनकी गाड़ी है। इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और सरकार भी इस दिशा में चाह रहे हैं। स्वर्गीय तिवारी जी का नाम स्मरण में आते ही एक ऐसे नेता की छवि सामने आ जाती है जो जिसको लोग अपना सहारा मानते थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी को बड़ा संरक्षण मिलता था इस इलाके में, चालघाट के इलाके में, तो उधर के इलाके में।
श्रद्धेय रमाकांत तिवारी जी के द्वारा। वो एक सिर्फ जनता से जुड़े हुए नेता थे बल्कि एक दबंग नेता थे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बड़े बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ उठाते थे और पूरी ताकत से इसका सामना करते थे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत चार घाट के कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष के नाते जो की, बाद में वो मध्यप्रदेश शासन में मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे और मंत्री रहने के दौरान उन्होंने रीवा जिले को एक बड़ी सौगात दी। पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने पशु चिकित्सालय रीवा में नहीं था, पशु महाविद्यालय पशु चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात जो उन्होंने रीवा को दी है वो लंबे समय तक रमाकांत तिवारी जी की याद दिलाता रहेगा। कई उन्होंने पुल पुलियों का निर्माण कराया, तो उधर लिफ्ट इरिगेशन के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की और विकास के प्रति भी और समाज में हर वर्ग में के दिलों में अपना स्थान बनाने में श्रद्धेय रमाकांत तिवारी जी ने जो सफलता प्राप्त की है उनकी सफल राजनीतिक यात्रा मैं मानता हूँ। और इसीलिए जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हजारों लोग उमड़ पड़े थे, मुझे याद है। और आज भी मैं देख रहा हूँ प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर क्षेत्र के कोने कोने से लोग आके उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। लंबे समय तक याद किए जाएंगे रमाकांत तिवारी जी। जब जब इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि की चर्चा होगी तो रमाकांत जी की चर्चा के बिना वो चर्चा पूरी नहीं मानी जाएगी। मैं उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय तिवारी जी के जाने के बाद इस क्षेत्र की ही नहीं पूरे जिले की राजनीति की मर्दानगी खत्म हो गई और राजनीति के मर्द थे बेवाक और स्पष्ट कहने वाले निर्भीक व्यक्तित्व के धनी थे, हमेशा गरीबों के प्रति उनका स्नेह और उनके कल्याण की बातें उनके मन में रहती थी। मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके शुरुआती कांग्रेस के राजनीति में जब से वो आए और ये मेरा संयोग और सौभाग्य था कि मैं उनके गांव में जाकर मैंने उनको निमंत्रण दिया था कि अर्जुन सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं, तब वो लोग जाएंगे। हमने कहा कि उनको मैं लाऊं, तो कहा कैसी बात करते हो भैया, आप आए हो ये पहने अब मैं चलूंगा। फिर जाकर उनकी बात हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन मुख्य रूप से उनका और मेरा स्वभाव में एक समानता थी कि हम लोग दब के काम नहीं करते थे, दब के राय, और इसलिए कभी कभी राजनीति में उनको भी एक कदम पीछे रखा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और अपनी हठधर्मता से समझौता नहीं किया। मैं उनके परिवार और उनके बच्चों, खासकर तिवारी लाल जी हैं, सबके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और स्वर्गीय तिवारी जी जो हमारे अभिन्न मित्र थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं इस तरह से प्रार्थना है तो वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज पूज्य तिवारी जी के इस पूर्ण तिथि पर तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पूर्ण तिथि है ही नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं से वो निकल पड़े। उनका सानिध्य मुझे 10 वर्ष की उम्र का मैं था, तब से मैं उनकी सेवा में रहा। मेरी उंगली पकड़कर राजनीति का काखा गाखा सिखाने का काम पूज्य तिवारी जी ने किया। तिवारी जी के साथ समूचे तिलसर क्षेत्र की गांवों में गलियों में
जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे अवसर दिया। जनमानस के बीच में हमारे जो क्षेत्र के अंतर्गत वो एक राजनीतिक संत थे, सर्वहारा वर्ग उनके साथ था, अन्याय के विरोध में लड़ना उनका प्रथम कर्तव्य था, जनता की कठिनाइयों के समाधान के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने 1985 में विधानसभा का चुनाव दलित मजदूर किसान पार्टी से लड़ा था, मात्र 142 वोट से वो पराजित हो गए। उसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। 1990 में विधायक हुए, 97-98 में विधायक हुए, 93-2003 में विधायक हुए, मंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके आसीन कराया और उप शिक्षा मंत्री के साथ साथ कई विभागों का दायित्व उनको सौंपा दिया। माननीय तिवारी जी अपने जीवन काल में सदैव किसानों के साथ, गरीबों के साथ, दीन दुखियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग किया, उनके हक की लड़ाई के लिए पूरा जीवन समर्पित किया और आज के समय में उनका सरीखा नेता, राजनीतिक जो संत हमने कहा बिरले ही मिलेंगे, कहीं घूमने से मिलेंगे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था, उनकी सोच बहुत ही ऊंची थी और उनके कार्य भी जनहित के कार्य, रचनात्मक कार्य, देवघर क्षेत्र में 4-5 किए, देवघर वह सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया जो आज प्रवाहित है, देवघर बहाव योजना का सृजन उन्होंने किया जो कार्य संचालित है, विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को आया गया। और जब भी राजनीतिक क्षेत्र में, परिदृश्य में राजनीतिक चर्चा होगी तो पूज्य तिवारी जी का नाम अवश्य लिया जाएगा और मेरे लिए वरदान थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में उनके अवसर दिया, उनकी सेवा करके पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया उसका निर्वहन किया और उनके चरणों की सेवा की बदौलत मुझे जोधर क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और एक कार्यकर्ता से विधायक के रूप में देने का श्रेय जाता है पूज्य तिवारी जी को जाता है। उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया, वो मेरे आदर्श स्वरूप है और मेरे आराध्य के स्वरूप में है और मैं अपने हृदय से उनके प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहा और उनके प्रति समर्पण भाव से उनके चरणों में आज इस श्रद्धांजलि पर्व पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश के बहुत ही सम्मानित नेता और हम जैसे युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा के केंद्र रहेंगे। जिस तरह जमीन से संघर्ष करके उन्होंने एक लंबा सफर तय किया था, पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए एक मिसाल है। हम सब उनके चरणों पर अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं।